हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैसेंट में। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर गिवन है हमें, और उसके बाद हमें क्वेश्चन गिवन है पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम। तो हमें गिवन क्या क्या है, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम, और हमें प्रूफ के एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, और बी आर पे एक पॉइंट है एक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस और एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, ये जो दो पैरेललोग्राम है इनका एरिया इक्वल है। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम है ये सेम बेस पे है एस आर पे, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है एस आर एंड पी बी। तो अगर पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, लेकिन अगर एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस होते हैं तो जो ट्रायंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो आप यहाँ लिखिए, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर ऑन द सेम बेस एस आर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पी बी एंड एस आर। ठीक है, सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, ये हमारा प्रूफ हो गया, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का एरिया इक्वल है। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट में जाते हैं। अब आप देखिए, जो ट्रायंगल ए एक्स एस है, सबसे पहले देखिए वो कौन से पैरेललोग्राम में आ रहा है, वो पैरेललोग्राम में आ रहा है ए बी आर एस। तो यहाँ लिखिए, ट्रायंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस तो जो ट्रायंगल ए एक्स एस और पैरेललोग्राम ए बी आर एस है वो सेम बेस पे है ए एस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए एस एंड बी आर। ठीक है, तो जब ये सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है तो हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक है, लेकिन जो ए बी आर एस है वो पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो। तो बस ये आपने प्रूफ कर दिया, सेकेंड पार्ट ये तो था, एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने जो इसका डायग्राम है वो पहले ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको वो खुद से ड्रॉ करना है, इसमें फिगर आपको बना के नहीं दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, ए फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये एक फार्मर के पास फील्ड है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस, आर एस पे एक पॉइंट ले लिया इसने ए एंड जॉइंड इट टू पी एंड क्यू। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, तो फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। यहां लिख सकते हैं, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द फार्मर व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स की शेप क्या, ये देखिए ट्रायंगुलर शेप है, तो यहां लिख सकते हैं शेप इज ट्रायंगुलर। अब जो थर्ड पार्ट है वो है, द फार्मर वॉन्ट्स टू सो वीट एंड पल्सिस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट।
तो उसको वीट और पल्सेस इसमें शो करने हैं, और ऐसे शो करने हैं कि वो तीनों इक्वल पार्ट में हो, तो वो कैसे ड्रॉ कर सकती है, शो कर सकती है। तो आप यहाँ देखिए पी ए एस, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो मिलके क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आप देखिए ट्रायंगल पी ए क्यू सेम बेस पे है पी क्यू आर एस, ये दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर ऑन द सेम बेस, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे है पी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है। जब ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे है तो एरिया ऑफ पी क्यू ए इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हो जाएगा। तो अब देखिए जो पी ए क्यू है उसका एरिया पी क्यू आर एस के हाफ है इसका एरिया, तो ये जो दो फील्ड बची हुई है इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी तो पी ए क्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हाफ एरिया तो ये हो गया, तो जो ये दो बचा है इस इन दोनों का सम क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ और हाफ पूरा पी क्यू आर एस बन जाएगा। हेलो, गेट को बाहर निकलने चल रही है साइड, बना बना बना। तो अगर पी क्यू आर एस का जो एरिया ऑफ पी क्यू है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हो गया, तो आप ये कह सकते हैं जो बचा जैसे पी क्यू है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हो गया, तो आप ऐसे करके यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन वन में, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए एस प्लस पी ए क्यू या पी क्यू ए की जगह हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए एस हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाफ इधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो इक्वेशन टू और थ्री इक्वल इक्वेट करेंगे तो एरिया ऑफ पी क्यू ए किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ पी ए एस प्लस एरिया ऑफ पी क्यू ए क्यू आर के। ये हो गया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये टू और थ्री इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि उसको जो फार्मर है वो कैसे सी सो करे कि उसके मतलब वो अनाज को कैसे बोए बोए कि उसको वीट एंड पल्सिस सो करनी है, तो हाफ में वीट और हाफ में पल्सिस हो, तो वो कैसे करेगी, या तो वो पी क्यू ए में करेगी या फिर पी ए एस और ए क्यू आर में मिला के उससे इसकी हाफ ऑफ एरिया में इसका लैंड डिवाइड हो जाएगा। बस हमें यही लिखना है, द फार्मर मस्ट सो वीट और पल्सिस इन पी ए क्यू और आइदर इन बोथ पी ए एस एंड ए क्यू आर, मतलब या तो वो पी ए क्यू में सो करे या फिर इन दोनों में पी ए एस और ए क्यू आर में, इन दोनों में मिला के करे तो वो एरिया हाफ जो लैंड है वो हाफ ऑफ एरिया में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।